Hello, my dear students of class 10th. I welcome you in this lecture of physics in which we are going to start a new topic that is reflection of light. Yes. So, आज reflection of light की शुरुआत होने जा रही है जो कि बहुत important chapter है और जैसा कि first term का CBSE का syllabus आया है तो सबको electricity पढ़ा दिया गया है but reflection of light आ रहा है और refraction of light आ रहा है. तो आज हम reflection of light की शुरुआत करने जा रहे हैं. तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर. तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट बात बेसिक से होगी तो कॉन्सेप्ट बनेंगे और जो है आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा. तो बात लाइट से करेंगे, लाइट की डेफिनेशन से करेंगे बिकॉज रिफ्लेक्शन विदाउट लाइट कैसे कर पाएंगे हम लोग. तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट के बारे में, बस ये मैंने एक पीपीटी बनाई है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स. लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है नो डाउट, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं. लाइट स्टार्ट होती है सोर्स से, बोलते हैं ना आपको पढ़ाया गया होगा इंसिडेंट रे. तो वो इंसिडेंट रे कहां से आती है? इंसिडेंट रे आती है सोर्स से. अगर कोई ल्यूमिनस सोर्स है जो सोर्स लाइट इमिट करते हैं, यानी कि जैसे बल्ब हो गया, सूरज हो गया, उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. दोज ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. और जो उस लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं, वॉल्स हो गई और आपकी जो भी एक्सेसरीज हैं घर में रखी हुई, अलमीरा हो गई, पैन हो गया, ये सब आपको लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट पे वो पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके वो फिर आपकी आंखों में जाती है, परसीव्ड बाय आवर आईज, और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उससे हमारी इमेज बन जाती है रेटिना पर. इस तरीके से लाइट काम करती है. अगर लाइट के नेचर की बात करी जाए तो लाइट के तीन नेचर है. नेचर ऑफ लाइट यानी कि बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट कैसा बिहेव करती है. तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट रे का बिहेव करती है. रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है. लाइट वेव का भी बिहेव करती है, जिस मीडियम से जाती है उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर आता है. उसकी वजह से दो फेनोमेना होते हैं, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रेक्शन. और तीसरा, लाइट पार्टिकल का भी बिहेव करती है. पार्टिकल का बिहेव को मैं इस तरीके से बता सकता हूँ. आपने सोलर पैनल का नाम सुना होगा, जब लाइट उस पर टकराती है, लाइट के पार्टिकल्स जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, फोटॉन्स ही आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा. तो लाइट के पार्टिकल माना गया, लाइट जिस चीज से बनी हुई है उनको फोटॉन्स बोलते हैं, एक इंडिविजुअल लाइट का पार्टिकल. तो जब वो सोलर पैनल यानी कि सिलिकॉन की प्लेट से टकराती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लो करने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर सोलर पैनल में क्या होता है, सनलाइट को वो किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो वहां पे जो सनलाइट है वो पार्टिकल का बिहेव करती है. तो ये बात सबको डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर दिया जाता है ये चैप्टर, बट बेस बनाने के लिए हमको लाइट के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए. तो लाइट के तीन बिहेवियर है बच्चों, एक रे बिहेवियर है, एक वेव बिहेवियर है, और एक पार्टिकल बिहेवियर है. अब लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम, जब लाइट किसी दूसरे मीडियम पर पड़ती है, मान लो यहां से ये कोई मीडियम, तो ये टकरा के वापस भी जा सकती है, ये इसके अंदर बैंड होकर एंटर भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, गेट एब्जॉर्ब. मान लीजिए कोई स्मूथ क्लॉथ है वगैरह, कपड़ा है कोई, तो उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ टकरा के वापस आ जाती है. रिफ्लेक्शन 100% प्लेन मिरर, जो वेल पॉलिश मिरर होता है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है. जितनी लाइट टकराई उतनी लाइट वापस टकरा के आ गई, वरना जिस भी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन होता है कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है. दूसरा, अगर वो टकरा के वापस आ जाए जैसा कि मैं भी पढ़ा था, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और जैसे अभी अगर मैं पास कर रहा हूं लाइट गिलास स्लैब में, कोई मिरर है, सॉरी मिरर नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट गिलास है, गिलास तो है बट ट्रांसपेरेंट, तो लाइट उसके अंदर एंटर कर जाएगी बट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन. तो लाइट जब किसी मीडियम पे इंसिडेंट होती है यानी कि पड़ती है, फॉल होती है, गिरती है, तो तीन काम हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर लगभग इतनी होती है, लाइट वैक्यूम में और एयर में 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल में यूज करते हैं 3.0 या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर में अगर चेंज करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है.
फिलहाल अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं जब लाइट किसी वेल पॉलिश्ड स्मूथ, हालांकि रफ पे भी टकरा सकती है, उस पर टकरा के वापस लौट जाए उसी मीडियम में, मैं तो ये बोलता हूँ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड हार्ड सरफेस इन द सेम मीडियम। मान लो ये जो है वुड का बना हुआ है, तो वुड एक मीडियम हो गया और लाइट आ रही है एयर से, कहीं से भी यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ था तो उस बल्ब से ये लाइट की रे आ रही है। सोर्स से इंसिडेंट रे कहां से आती है? सोर्स से। सोर्स क्या है? जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। बात को समझिएगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हायर लेवल पे बनाएंगे मेरे साथ। तो एक मीडियम हो गया एयर, इसको बोल सकते हैं मीडियम वन, और वुड हो गया मीडियम टू। तो जब ये लाइट इंसिडेंट रे होके इस वुड पे टकराई तो इस वुड के अंदर नहीं गई बल्कि वापस एयर में आ गई, इसलिए हम बोलते हैं द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाती है After striking on a smooth and polished surface या hard surface, जिस पॉइंट पे ये टकराई थी, ये P जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और यहां से और जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वुड की जो सरफेस है ये रही रिफ्लेक्टिंग, यहां से 90 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं, इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। द लाइट रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट का टकरा के किसी हार्ड और पॉलिश सरफेस पर, पॉलिश भी ना हो, कोई जरूरी नहीं कि पॉलिश हो, किसी हार्ड सरफेस पर टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। दैट्स ऑल। अब रिफ्लेक्शन दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्लियर इमेज दिखाई देती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से आपको क्लियरिटी नहीं होगी, कोई इमेज नहीं बनती। इट अकर्स व्हेन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम अ गिवन स्मूथ सरफेस आर पैरेलल फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज। मतलब ये हुआ, इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, मान लो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ भी हो सकता है, कोई दीवार है, कोई वॉल, वॉल तो हो गई ना, कोई मान लो गिलास है, कोई मिरर है, कोई टेबल है, कुछ भी है, उस पर इंसिडेंट रेज, लाइट की रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ गई, और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी कैसी जा रही है, पैरेलल ही जा रही है, कैसी जा रही है, पैरेलल ही जा रही है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इन अ पैरेलल मैनर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल्सो गोज बैक इन द सेम मीडियम इन पैरेलल मैनर। ये बिल्कुल स्मूथ सर्फेसिस पे होता है, लाइक मिरर, सिल्वर स्पून एक्सेट्रा, और द इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें इमेज बनती है और दिखाई देती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इट अकर्स व्हेन फॉर अ गिवन सेट ऑफ इंसिडेंट पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज तो पैरेलल आ रही है, ये वाला डायग्राम आप लोग देखिए, ये छोटे क्लासेस में हमें पढ़ाया गया था, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और ये रफ सर्फेसिस पर होता है लाइक वुड, टेबल, डोर, बुक एक्सेट्रा, और यहाँ पे कोई क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगी। बट मैं एक बात आपको बताऊं, जो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया होगा एंगल आई बराबर एंगल आर, अगर आप आज के टाइम में किसी से पूछें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 90% क्वेश्चन बच्चे गलत करेंगे ही करेंगे, अगर ये आ गया कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, या कॉनकेव मिरर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, या कॉन्वेक्स मिरर पर, क्योंकि आप जानते हैं कॉनकेव मिरर, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कॉनकेव मिरर पर लाइट ऐसे आ रही थी बिल्कुल सीधी, और टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से चली जाती है। तो आपसे पूछा जाए क्या यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं यार, सीधी आई थी और टेढ़ी चली गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो तब होता है जैसे जितने एंगल पे आती है वापस उतने एंगल पे वापस जाती है। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितने भी टाइप के मिरर है, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता ही है। फिर कहोगे सर ये क्यों हो रहा है, तो अभी मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करके दिखाऊंगा। बट अभी आप एक पॉइंट नोट कर लो, यहां से आप एक बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे, ये मैं बता देता हूं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड एवरीवेयर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड एवरीवेयर, इस बात को आप याद रखिए, कोई सा भी मिरर हो, कोई सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन देख लीजिए, जो लाइट सोर्स से आती है, लाइट रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स एंड फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी को हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं या इंसिडेंट रे बोलते हैं।
रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे जो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस सुन लीजिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, मैं बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा और फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक लाइट की रे आ रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू बताओ। बच्चे ने जैसे ही देखा 30 डिग्री एंगल, बोले सर आंसर हो गया 30 डिग्री बिकॉज एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। उसने ये देखा ही नहीं कि मैंने बोला क्या था, इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली हो गई ना मिरर वगैरह। अब यहां पे हम क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं जो 90 डिग्री पे, तो ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री, 90 से 30 गए तो ये वाला 60 बचा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है देख लो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम इंसिडेंट बोलते हैं, तो यहां पे आपको 90 से माइनस करना पड़ा तो 60 आया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल जो है वो भी हमारा क्या आएगा 60 आएगा। इसको तो बच्चे ने देखा ही नहीं, उसको तो बस इतना रटाया गया था और ये बताया भी नहीं गया था कि बेटा इस चीज का ध्यान रखना है। मैं वही बोल रहा हूं कि यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एमसीक्यूज पेपर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं इस बार। तो आप पहले श्योर कर लीजिएगा, श्योर कर लीजिएगा कि जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो नॉर्मल के साथ है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ है। अगर नॉर्मल के साथ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही हो जाएगा, बट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ है तो आप पहले उसको 90 से माइनस करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, फिर वही वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हो जाएगी। तो अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाला एंगल तो सरफेस के साथ बना रही है, ये याद रखिएगा, जैसे ये सरफेस जा रही है तो ये वाला एंगल सरफेस के साथ है और ये वाला भी सरफेस के साथ है। यहां से आता है ये 90 होता है, यहां से आता है ये 90 होता है, बिकॉज नॉर्मल का मतलब ही मैथमेटिक्स में 90 डिग्री होता है। तो इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बात। चलते हैं आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। जो आपको पहला लॉ पढ़ाया गया रिफ्लेक्शन का, मैं नहीं मानता, मैं अभी बोल रहा हूं मैं नहीं मानता कि आज किसी बच्चे को समझ आया। यही बोला जाता था इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये मैंने एक डायग्राम भी लिया है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ऑल लाई इन द सेम प्लेन का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, कोई ये पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा और वो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मेरे पास जो पेपर है और वो डायग्राम आप देख लीजिए जो आपके इसमें मैंने ले रखा है। ये एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है पेपर की तरह, तो है तो एक इंसिडेंट रे आ रही है रेड कलर की, नॉर्मल रे ब्लू कलर की खड़ी कर दी और रिफ्लेक्टेड रे हमने क्या करा ग्रीन कलर की दिखा दी है। तो यहां पर ये बनाने की क्या जरूरत थी, ये वाला डायग्राम ही ले लेते सिर्फ ऐसे करके, ऐसे तो पढ़ा गया अभी तक, ये नॉर्मल आ गई। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये सारी एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक पेपर इस तरीके से डालूं, जैसे इन तीनों रे पे एक पेपर डाल दूं, तो ये तीनों रे एक प्लेन पेपर पे आ जाएंगी, मतलब कोई भी एक डिग्री आगे पीछे नहीं होगी। देखो मैं दिखाता हूं, ये तीन पेन है, तीन पेन को अगर मैं ऐसे बीच में पेपर डाल रहा हूं तो इस पेपर से ये तीनों पेन बीच में से कट हो जाने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक पेन थोड़ा सा आगे हो दो पेन पीछे हो, तभी एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन का मतलब है इस तरीके से अगर हम देखें तो एक पेन दिखाई दे बाकी के दो दिखाई ना दे, बिल्कुल एक लाइन में, तो ये मतलब होता है सेम प्लेन का। तो इसलिए यहां पर एक प्लेन बनाया गया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर का ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर आ रही कोई भी रे एक डिग्री आगे पीछे नहीं होगी, एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों बिल्कुल एक लाइन में होंगी, ये मतलब है उसका, तीनों रेज बिल्कुल एक लाइन में होंगी, एक लाइन में इस तरीके से, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेम प्लेन। कोई भी थोड़ी बहुत आगे पीछे आधा डिग्री भी नहीं होगी, ये थोड़ी इस साइड है वो थोड़ी सी पीछे चली गई, ये थोड़ी आगे आ गई, नो बिल्कुल एक लाइन में। तो ये जो प्लेन है, अगर रे की कोई मोटाई होती और एफ आर हम बीच में एक प्लेन डालते तो वो रे जो है बीच में से कट हो जाती, बिल्कुल बीच में, जैसे ये पेन अगर मैं बीच में से कट कर दूं, बिल्कुल समझ आई बात। और सेकंड लॉ तो बहुत आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये रहा एंगल आई, ये रहा एंगल आर। मैं तो बड़ा सिंपल लिख रहा हूं, एंगल आई बराबर एंगल आर, मैंने पूरी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, आप देख लीजिए बस इतना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स ऑल। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ।
दैट्स ऑल अबाउट ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यही दो ही लॉ है. जब लाइट रे का बिहेव करती है तो इन दो लॉ को फॉलो करती ही करती है. चलते हैं अब प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट की आज हम लोग बात कर रहे हैं. तीन टाइप के हमें इसमें मिरर पढ़ने हैं, प्लेन और स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल में दो आएंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो प्लेन मिरर का जब नाम ही है प्लेन, एक ऐसी फ्लैट सरफेस जिसपे एक बेल पॉलिश, हमने सिल्वर पॉलिश कर दी और वो बढ़िया रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, तो वो प्लेन मिरर कहलाएगा. एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स आउटर सरफेस या ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है इस बात को देख लीजिए. मैंने दो लिए हैं, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया है और एक हाइट ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट है. अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपको बता देता हूं. जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहां से बहुत सारी लाइट की रेज आती होंगी सूरज से, तो हर जगह से इसमें लाइट की रे टकरा के निकलती है, ये मिरर है. मैं आपको बताता चलूं कि फिजिक्स में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इमेज बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से दो रेज काफी है. दो रेस से हम लोग डायग्राम बनाएंगे. रेस तो इनफाइनाइट है तो बड़ा कॉन्सेप्ट मुश्किल हो जाएगा अगर हम रियल पे बात करेंगे. तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए दो रेस काफी है. वो दो रेस आपकी कोई सी भी ले लीजिए, आपका जो मन करे. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से भी निकलती होगी रे, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी. ये नहीं बताया जाता है मित्रों. अब इन्होंने यहां से एक रे ऐसी सीधी ले ली है. क्यों ली है भाई? क्योंकि इनकी मर्जी, ऐसे भी जाती होगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी. तो इन्होंने दो रे चूज कर ली है, एक ये वाली और एक ये वाली. समझ रहे बात को? अब एक बात मुझे बताइए, एक केस में पहले आपसे डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर ये आपको इमेज फॉर्म. अगर कोई लाइट की रे नॉर्मल पर ही आ जाए, मतलब इंसिडेंट हो जाए नॉर्मली ऐसे करके 90 डिग्री पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मानेंगे? कुछ बच्चे 90 डिग्री बोल देते हैं कि सर 90 डिग्री पे आई है तो 90 डिग्री पे जाएगी. अरे 90 डिग्री पे आएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा. क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हाँ इस बारे में बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बताइए. एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल. अब ये जो इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही है ये घूम के यहां पर आ जाएगी, यानी कि इस तरीके से इसी नॉर्मल पे आने लगेगी. तो नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बचेगा? नहीं बचेगा. यानी कि इस केस में जहां आपको आपको 90 लग रहा था वो एक्चुअली 0 डिग्री है. इस बात को याद रखिएगा कि जब लाइट की रे नॉर्मल पे आ जाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो रहा है. यानी कि इंसिडेंट रे का सरफेस से एंगल 90 डिग्री हो रहा है और सरफेस से माइनस करके हम इंसिडेंट निकाल रहे थे. अभी 90 से 90 को माइनस करोगे 0 बचा. या सीधी बात कह लो कि नॉर्मल पे इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो एंगल तो बचा ही नहीं है ना 0 डिग्री. जब ऐसे करके आएगी 0 पे तो वापस भी 0 पर जाएगी, यानी कि सीधी आई और वापस भी ऊपर ही चली गई. सीधी ऐसे आएगी तो ऐसे ही चली जाएगी. दिन के 12 बजे ऐसा होता है जब सूरज हमारे बिल्कुल सर पे होता है, लाइट की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए उस टाइम पे कोई शेडो नहीं बनती है. दिन के 12 बजे कोई शेडो नहीं बनती क्योंकि इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन आर बॉडी. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दिया, ठीक है? बात समझ आ रही है? हाँ जी. तो आगे चलते हैं. तो उन्होंने कहा ये बड़ा सिंपल काम है, इस ऑब्जेक्ट से हमें दो रेज लेनी थी तो इन्होंने क्या करा, एक यहां पर ले ली सीधी, बिल्कुल नॉर्मली फॉलो. ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर नॉर्मल डालोगे तो ऐसे ही तो आती, यहां पर ऐसे आई, वापस भी टकरा के ऐसे चली गई. ध्यान देना, सीधी आई, सीधी चली गई. दूसरा, उन्होंने कुछ एंगल बना लिया. जब उन्होंने कुछ यहाँ पे एंगल बनाया तो यहाँ पे पहले नॉर्मल रे ड्रॉ करी. ये नॉर्मल है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है. इस डायग्राम को रटना नहीं है, क्लास 8 में भी था, क्लास 8 में बच्चों को कभी समझ नहीं आता है. तो कोई भी दो रे ले लो, कोई जरूरी नहीं कि इसी साइड लो, आप यहां ले लो, कहीं भी ले लो, डायग्राम आपका बन जाएगा. तो इन्होंने एक रे यहां भी ले ली, आपने स्केल से या रूलर से ड्रॉ कर दी, एक रे इन्होंने यहां ले ली. जब यहां पे ली इन्होंने रे तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी, नॉर्मल ड्रॉ कर दी. ये एंगल को मेजर कर लो भैया, मान लो एंगल आया 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए उन्होंने दूसरी रे बना दी. क्यों बना दी भाई 30 डिग्री एंगल बनाते हुए? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन. ये इस साइड जा रही है और ये टकरा के इस साइड जा रही है, क्या ये दोनों आपस में कहीं मिल पाएंगी? यहां से कॉन्सेप्ट आएगा रियल वर्चुअल इमेज का. ये ऐसे जा रही है, यानी कि कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है. इनका गैप और बढ़ता जाएगा, मिलेंगी नहीं ये कहीं. और जब लाइट की रे आपस में कहीं मिलती नहीं है तो वो इमेज रियल नहीं बनती. लाइट की रे आपस में कट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, उसी को रियल इमेज बोलते हैं. लेकिन ये तो मिलेंगे नहीं, ऐसे बढ़ता जा रहा है गैप. तो अगर हम इनको प्रोड्यूस करें, यानी कि जबरदस्ती प्रोड्यूस करें,
तो ये मिलती हुई दिखाई देंगी। देखो इसको इन्होंने पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको भी इन्होंने स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ बढ़ाया, जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी उसी डायरेक्शन, तो ये कहीं कट करती हुई दिखाई दे रही है इस पॉइंट पर। यही पॉइंट जो है इमेज है बच्चे, तो यहां पर लाइन रियल में नहीं मिली है बल्कि मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपीयर टू कन्वर्ट, इसी को इमेज बोला है। और यही इमेज कौन सी इमेज कहलाती है, वर्चुअल इमेज कहलाती। देख लो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतनी दूरी पर ये इमेज बनी हुई है। ये तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर इमेज डिस्टेंस होता है। इस तरीके से इमेज बनाता है प्लेन मिरर। देखिए कि ये हाइट ऑब्जेक्ट है, इसमें भी इन्होंने क्या किया, एक इस पॉइंट को पॉइंट मान लिया और एक इस पॉइंट को पॉइंट मान लिया, ऐसी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उन सबकी इमेज यहाँ बनती चली जाएगी। लेकिन हम सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट की बनाएंगे और नीचे वाले पॉइंट की बनाएंगे। देखो क्या काम किया, ध्यान से देखो, एक लाइट की रे नॉर्मली ले ली तो इस पाथ पे गई, वापस भी इसी पाथ पे आ गई। दूसरी लाइट की रे वही सही कह रहा है, यहां से ले ली, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल होगा, 30 पे वापस भेज दी, इन दोनों को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ गया, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था आपका ए, इसकी इमेज आ गई ए डैश, जैसे पीछे आई थी एक पॉइंट था। अब एक पॉइंट यहां पर है तो दूसरे की यहां पर इमेज आ जाएगी। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, ये देख लो 1, 2, 3, 4, ऐसे हर पॉइंट की इमेज बनती है, जो हर पॉइंट की इमेज बनेगी तो पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वही मैंने कहा था हम रियल डायग्राम कभी नहीं दिखा सकते, हर पॉइंट की इमेज जब बनेगी तो आपकी बॉडी के हर पॉइंट की इमेज बनेगी, इसलिए आपको अपनी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। हर पॉइंट आपकी बॉडी का एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हर पॉइंट से आपकी बॉडी से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे इस वाले का ले लिया, देखो इसको सीधा ले लिया एक रे, सीधा गया तो सीधा वापस आ गया, ओके सी बात है। एक रे इन्होंने ऐसा ले लिया, यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर रही है, इन्होंने नॉर्मल दिखाई नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि सर इन्होंने ऐसा लिया फिर ये वापस कैसे आ रही है, हम कैसे बनाएंगे, आपको बनाने की बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, जितना एंगल ये उतना एंगल ये बना दो, फिर इन दोनों को प्रोड्यूस करो, ये यहाँ मिल जाएगी, ये नीचे वाले पॉइंट का डायग्राम ये हो गया, इन दोनों पॉइंट को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, बात पता ये चला, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की इमेज आ रही है। ये भी एक प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक है, द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जो भी इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब यह है कि वो रिफ्लेक्टेड रेस के रियल में इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, बल्कि वहां पे लाइनें कटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये दूसरी बात, जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल होती है, जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, बल्कि सबको ये पढ़ाया जाता है कि वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेंड ना हो सके, रियल इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेंड हो जाए। बट मैं बोलता हूं कि ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की एक प्रॉपर्टी है सर। वर्चुअल इमेज आप ये नहीं कह सकते द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ये तो प्रॉपर्टी है। फिजिक्स ये कहती है द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन इज कॉल्ड रियल इमेज। वो इमेज जो रियल में रिफ्लेक्टेड रेस के लाइनों के इंटरसेक्शन से बनती है वो रियल है। और द इमेज इन विच द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब ये है बच्चों, अगर ये ए वाला पॉइंट ऊपर था, बी वाला पॉइंट नीचे था, तो यहां भी ए वाला पॉइंट ऊपर ही है, बी वाला पॉइंट नीचे है, यानी कि इरेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा खड़ा था वैसे ही उसकी इमेज आ रही है। हम जब अपनी इमेज देखते हैं मिरर में तो हमारा सर ऊपर है, ऊपर ही दिखाई देता है, और पैर नीचे है तो नीचे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप यही अपनी इमेज पानी के अंदर देखें, किसी तालाब किसी लेक के किनारे पे अगर आप खड़े हो जाएं और अपनी इमेज उसके अंदर देखें, तो आपके पैर ऊपर दिखाई देंगे और आपका सर नीचे दिखाई देगा। तो उस टाइप की इमेज जो है वो कहलाती है इन्वर्टेड इमेज। उसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो कॉर्नर या ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे पहुंच जाता है, नीचे वाला पॉइंट ऊपर आ जाता है। इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसके ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये काम आपको समझना पड़ेगा। अभी आगे वाला जो टॉपिक है वो लेटरल इन्वर्टर है, मतलब आप अपने मिरर में अपना लेफ्ट वाला हैंड उठाइएगा तो उधर से जो आपकी इमेज दिखाई देगी उसका जो हाथ उठेगा वो राइट होगा। देखिएगा अगर आप इस तरीके से खड़े हो जाएंगे तो, यानी कि जब हम मिरर में देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट बन जाती है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाती है, उसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जो भी प्लेन मिरर इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होता है, वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है।
और जितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूरी पर आप खड़े हुए, मान लो आप प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, तो इमेज भी आपकी मिरर के पीछे 10 मीटर ही दूरी पर बनेगी या आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखिए लेटरल इन्वर्जन ये रहा, जब कोई प्लेन मिरर इमेज बनाता है, द लेटरल इन्वर्जन इज द रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज वेयर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड बिहाइंड द मिरर। जब हम मिरर में देखते हैं तो राइट साइड जो है वो लेफ्ट में दिखती है और लेफ्ट जो है वो राइट में दिखती है। जैसे ये रेड है तो रेड ऐसे उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी मिरर इमेज। अब यहां से अगर कोई ऐसा लिख के लाया सीधा और वो मिरर में देख रहा है तो उल्टा दिखाई दे रहा है, और अगर ये ऐसा उल्टा लिख के लाएगा तो सीधा दिखाई देगा। इसी वजह से एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है ये लेटरल इन्वर्जन की, उसको उल्टा लिखा जाता है, यानी कि मिरर इमेज में लिखा जाता है। तो मिरर इमेज में देखा जाता है, अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई गाड़ी वाला आगे जा रहा है और पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है इमरजेंसी में बहुत जल्दी में, तो वो अपने रियर व्यू में तो देखते हैं पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वो जब अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, तो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा था वो उसको सीधा दिखाई देगा, हाँ भाई एम्बुलेंस है, और फिर वो उसको साइड दे देगा। ये रीजन है इसके पीछे। लेकिन मैं इसमें आपको एक मजे की बात जरूर बताना चाहूंगा, बहुत मजे की बात। इसमें एक लेटर देखिए आप ए, एक लेटर देखिए एम और एक लेटर देखिए ए। एम ए और ये जो लेटर है ए और एम, इनकी मिरर इमेज भी इन्हीं की तरह आ रही है, यानी कि ये लेटर उल्टे नहीं हुए। इस टाइप के लेटर्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक लेटर, जो क्लास 6 में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो ए की इमेज देखोगे तो ए की तरह आएगी, बी की इमेज उल्टी हो गई, अच्छा यू की इमेज भी सेम है, एल की इमेज उल्टी हो गई, एल हम ऐसा बनाते हैं और मिरर में ऐसा दिख रहा है। तो ए की इमेज सेम रही, एम की इमेज सेम रही, यू की इमेज सेम रही। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, 26 लेटर में उन सारे लेटर को अपनी कॉपी पर लिखिएगा जिनकी इमेज उनके ऑब्जेक्ट की तरह सेम आएगी, यानी कि रिवर्स नहीं होगी। वो कौन कौन से लेटर हैं, जैसे एक ए हो गया, एक एम हो गया, एक यू हो गया, एक एक्स हो जाएगा। अगर आप वाई इस तरीके से बनाएंगे तो वाई भी हो जाएगा, अगर ऐसा बनाएंगे वाई ओ भी उल्टा करोगे तब भी वही दिखाई देगा। तो सारे आप वो लेटर ढूंढने जिनकी मिरर इमेज उन्हीं की तरह दिखाई देगी। फिलहाल ये एक अच्छा टास्क मैंने आपको दिया, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये सभी को पढ़ाया जाता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया। लेकिन अगर हम हायर लेवल की बात करें तो रियल इमेज भी बना सकता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर रियल इमेज, यानी कि मिरर के अंदर इमेज दिखाई नहीं देगी, बल्कि एक स्क्रीन अगर आप यहां पर लगा दें, जैसे ये प्लेन मिरर है तो इमेज पीछे दिखाई देनी चाहिए, नहीं, अगर आप स्क्रीन लगा देना यहाँ पर, कोई पर्दा कोई स्क्रीन लगा दें, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ क्या है ये सीन। एक नंबर में MCQs आ सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। सपोज कर लो ये एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, यहां से एक रे आ रही है ये, और बड़ा था दोस्त, और एक रे यहां से आ रही है, ये एक रे यहां से आ रही है। तो ये इंसिडेंट रे आपस में कैसी होनी चाहिए, याद रखो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से कन्वर्जेंट इंसिडेंट रेज आ रही है इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्मल पड़ेगी, यहाँ पे नॉर्मल पड़ेगी, ये टकरा के इधर जाएगी, ये टकरा के इधर जाएगी, यानी कि लाइनें रियल में कट कर रही हैं। अब मैंने कहा था जब लाइनें रियल में कट करती हैं तो रियल इमेज बनती है। अगर हम इनको आगे बढ़ाएं, इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी यहाँ बन जाएगी। बात को ध्यान रखिए, ये सवाल पूछा जाएगा क्या रियल इमेज या एक प्लेन मिरर रियल इमेज कब बनाता है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं, जीरो डिग्री पे होती हैं, या कन्वर्जेंट होती हैं। तो याद रखिए जब इंसिडेंट रेज कन्वर्जेंट फॉर्म में आती हैं तो एक प्लेन मिरर भी रियल इमेज बना सकता है। बस इतना सा टॉपिक है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है क्लास 10th के लेवल पे, किसी को नहीं पढ़ाया जाता कि प्लेन मिरर भी, सबको ये मालूम है, सबने अपने दिमाग में यही इमेज बनाई है कि प्लेन मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता। बट इफ द इंसिडेंट रेज कम्स इन कन्वर्जेंट फॉर्म, then a plane mirror can form a real image like this। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, बस आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे फिजिक्स में, क्योंकि ये बेसिक मैं आज आपके क्लियर करा दूं रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और हमें दिखाई दे, लाइट को रिफ्लेक्ट करे,
मान लो किसी को दिखाई नहीं देता तो क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं है? तो ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, थोड़ा करे या बहुत करे, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्ट करेगा तो उसकी एक इमेज बनेगी, वो इमेज रियल वर्चुअल हो सकती है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लोकेशन, इमेज किसी ऑब्जेक्ट की वो लोकेशन है, वेयर द लाइट रेज फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है वो क्या करती है, देखो इंटरसेक्ट करती है अपॉन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब जरूरी नहीं है इंटरसेक्ट करती करती है, इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है। यही कॉन्सेप्ट है रियल और वर्चुअल इमेज का, फिजिक्स की बच्चों लैंग्वेज ही यही है। अगर वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तब वो रियल इमेज है, और अगर वो इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, आपने उनको प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कराया जैसे अभी हम प्लेन मिरर में कर रहे थे, तो वो वर्चुअल इमेज है, बस बात खत्म हो गई। तो ये मैंने बताया, यानी कि अगर वो कन्वर्जेंट फॉर्म में है तो रियल इमेज बनाएगी, सीधी बात है, अगर मिल रही है कहीं पर, और डाइवर्जेंट फॉर्म में है, कहीं मिल ही नहीं रही है तो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, एक रे मैंने ऐसे सीधा ले लिया, वापस ऐसे आके एक रे मैंने ऐसा ले लिया, देखना यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से आ जाएगी लाइट। अगर आप इसको आगे बढ़ाइए और इधर इसको आगे बढ़ाइए तो ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कहीं कट ही नहीं करेंगी। तब इनको आगे प्रोड्यूस आप कराइए, इसको आगे प्रोड्यूस कराइए, देखिए यहाँ पे कट करते हुए दिखाई देंगी, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज ओ की इमेज आई पे बन गई। देखो प्लेन मिरर था तो उतनी दूरी पे बनी है और उसी लाइन में बन गई, मैं तो आपको बना के दिखा रहा हूँ भाई, ये याद करने की चीजें थोड़ी है। यही कॉन्सेप्ट आप रियल और वर्चुअल इमेज का बात समझ लीजिए। जो इमेज इन रिफ्लेक्टेड रेस थे रियल में इंटरसेक्ट करने से बनेगी वो रियल होगी, और जो हमें कट करती हुई दिखाई देंगी यानी कि हम प्रोड्यूस करके कट कराएंगे वो वर्चुअल इमेज होगी। पहचान ये है कि रियल इमेज जो होगी वो कन्वर्जेंट रे होंगी उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, वर्चुअल इमेज की डाइवर्जेंट रे होंगी, मिलेंगी नहीं तो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस देखिए क्या लिखा है, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज, रियल इमेज बनाने के लिए लाइट रियल में मिलती है और इसमें नहीं मिलती है, इमेज जनरली इन्वर्टेड होती है। ये बात है, रियल इमेज अभी हम आगे बनाएंगे कॉनकेव मिरर जब पढ़ाएंगे, रियल इमेज इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, लेकिन वर्चुअल इमेज इरेक्ट रहती है, सीधी की सीधी। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनती है, कोई पेपर कोई कपड़ा आप लगाएंगे तो उस पर इमेज दिखाई देगी, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती बल्कि मिरर के अंदर दिखाई देती है। यानी कि रियल इमेज पे हम पहुंच सकते हैं, हम छू सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम नहीं छू सकते। दिस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द लेंस, मिरर के सामने बनेगी जबकि इमेज तो मिरर के अंदर बनती है, और लेंस के पीछे बनेगी, लेंस के पीछे बनेगी, लेंस और मिरर दोनों का केस आएगा वो तो पूरा पूरा चैप्टर है, और ये मिरर के पीछे बनेगी और लेंस के फ्रंट में बनेगी। वी कैन रीच टू इट, हम रियल इमेज तक पहुंच सकते हैं लेकिन हम वर्चुअल इमेज तक नहीं पहुंच सकते, मिरर के अंदर थोड़ी घुसोगे, मिरर के अंदर बन रही है इमेज, मिरर के अंदर थोड़ी घुस जाओगे, समझ आ रही है? पता लगा मिरर तो दीवार पे लगा हुआ है तो क्या दीवार के अंदर जाओगे, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात और है, छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया था लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। देखिए कैंडल रखी हुई और यहाँ पे दो मिरर रखे हुए और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप जब सलून पे जाते होंगे सलून वाला क्या करता है, एक आगे लगाता है मिरर एक पीछे लगाता है, यानी कि ये मिरर 180 डिग्री पे रखते हुए तो आपको इनफाइनाइट इमेज दिखाई देती है, अपना चेहरा आपको आगे दिखाई देता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन पीछे पड़ता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आगे वाले मिरर में दिखता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन पीछे पड़ता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आगे वाले मिरर में दिखाई देता है। अगर वो मिरर सॉरी 0 डिग्री पे रखे हो, 0 डिग्री पे अभी ये रखे हो तो इनफाइनाइट इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, टू प्लेन मिरर आर प्लेस मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, अगर दो प्लेन मिरर हम ले लिए जाए तो उनके म्यूचुअल रिफ्लेक्शन से कितनी इमेज बनी हुई देख सकती है, तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, देख लो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो तीन कैंडल दिख रही है, एक दो तीन, देखें फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं, 360 अपॉन 90 माइनस 1, 9 4 36 माइनस 1, आंसर इज 3, देख लो। अगर हम 0 डिग्री पे रखते हैं 360 अपॉन 0 माइनस 1, आंसर इज इनफाइनाइट माइनस 1, आंसर इज इनफाइनाइट। अगर 0 डिग्री पे आप दो मिरर रख दोगे आगे पीछे और बीच में कोई पेन रख दोगे तो इमेजेस बनती जाएंगी, जितनी आप देख सकते हो उतनी इमेज बन जाएगी। तो अगर दो मिरर थीटा डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेन मिरर का और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। इसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आप इस पे नोट्स क्रिएट कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।